सोशल सिस्टम में जो है सामाजिक व्यवहार जब हमारा होता है लोगों के साथ, चाहे आपका पड़ोसी हो, आपके साथ काम करने वाला कलीग हो, साथ पढ़ने वाला स्टूडेंट हो या कोई रिलेटिव हो, हर कोई जो है लाइफ में बहुत चीज़ें सिखाता है, यूट्यूब हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसे सोशल वीडियोज़ कहीं आपको नहीं मिलते। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना अपने यूथ के लिए एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें कि कुछ अच्छी बातें बताई जाएं जो दर्शाती हैं कि वो एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक है, जेंटलमैन है। तो वो क्या है अच्छी क्वालिटीज़, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके अंदर में से कोई भी क्वालिटीज़ हैं तो बेझिझक कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ यस यू हैव गॉट दिस क्वालिटी। तो सबसे पहले नंबर वन, किसी को भी दो बार कॉल ना करें। अगर आपने फ़ोन किया है एक बार किसी को और उसने फ़ोन नहीं पिक किया तो आप दोबारा कर सकते हैं, दैट्स ओके। लेकिन तीसरी बार या रिपीटेडली कॉल ना करें। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं वो उस परिस्थिति में ना हो कि आपका फ़ोन उठा पाए, या अपने फ़ोन से दूर हो, या फिर उसने अपना काम के हिसाब से फ़ोन को दूर रखा हो। लेकिन काफ़ी लोग मैंने देखे हैं, एक बार फ़ोन किया, दो बार किया, भाई साहब लगे ही पड़े हैं, बच्चे की जान ही ले ली उन्होंने। फ़ोन भी रोता है कि भाई क्या करूँ मैं, फ़ोन भी रो रहा होता है कि मैं क्या करूँ यार, बजाया जा रहा है। तो ऐसे ना करें यार, एक दो बार हो गया, बस शांति से बैठ जाएं, जब वो फ्री होगा आपको कॉल बैक कर लेगा। अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो दर्शाता है कि आप कितने गैर जिम्मेदार हैं या फिर आप कितने कैजुअल हैं। अभी आप बुरा मत मानना प्लीज़, क्योंकि आपने भी ऐसा कई बार किया होगा। जब मुझे शायद किसी ने नहीं सिखाए थे बेसिक एटिकेट, शायद मैंने भी कभी किया होगा। तो इंसान गलतियों से सीखता है, उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि दोबारा ना हो। बुरा मत मानना दोस्त। अगला पॉइंट नंबर दो भी सुन लीजिए। जब भी आप किसी से कोई चीज़ उधार लो, उसको टाइम पे जो आपने वादा किया उससे भले ही एक दिन पहले रिटर्न कर दो या उस दिन रिटर्न कर दो, सामने वाले को ये मौका ना दो कि वो आपको बोले कि भैया मेरा पैसा जो उधार लिया था उसको वापस कर दे। चाहे मैटर पैसे का हो या पेन का हो जिससे आप लिखते हैं, या फिर लंच बॉक्स का हो, छाते का हो, अम्ब्रेला का हो, या कोई भी साधारण चीज़ जिसको आमतौर पर हर कोई इस्तेमाल करता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने किसी से उधार मांगी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको समय पर लौटाएं, ताकि अगली बार जिसे आपने लिया है वो उससे ज़्यादा खुशी से आपको दोबारा दे सके। तो ये भी एक जेंटलमैन और एक अच्छे इंसान की क्वालिटीज़ हैं, आई होप आपके अंदर भी होंगी। नंबर तीन, कभी भी महंगा खाना ऑर्डर ना करें। अगर आप किसी के साथ, किसी ने आपको पार्टी दी है या किसी ने आपको बुलाया कि चले मैं तो ट्रीट देता हूँ, तो ये नहीं कि भैया बुलाया तो उसने आज सबसे महंगी डिश मैं ही ऑर्डर करूँगा। नो, बहुत गलत बात है। हो सकता है सामने वाला सक्षम हो, लेकिन ये एक अच्छे जेंटलमैन की पहचान है कि कोई आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तो हमेशा उसको बोलें कि आपको जो पसंद है आप ऑर्डर कीजिए, मैं लूँगा। लेकिन उसका बड़कपन ये होगा, वो आपको बोलेगा नहीं नहीं आप ही ऑर्डर कीजिए। तो आपको भी पूरा सम्मान करना है, ये नहीं करना कि मुझे सबसे जो महंगी है ना, जो ज़िंदगी में कभी नहीं खाई साला, आज इसको मैं खाऊंगा इसके पैसों से। ये बड़ी गलत सोच है। ये एक अच्छे ज़िम्मेदार दोस्त की, ज़िम्मेदार फ्रेंड की, ज़िम्मेदार कलीग की, ज़िम्मेदार फैमिली मेम्बर की पहचाननी है। तो इस बात को भी ध्यान रखें, आपको डबल रिस्पेक्ट मिलेगी अगर आप उसको बोलेंगे यार तू ऑर्डर कर, या जो तेरे को अच्छा लगता है वो कर, जो आपको पसंद है वो मुझे पसंद है, अगली बार से ऐसा करना। नंबर चार, कभी भी ऑकवर्ड क्वेश्चन नहीं करना, बेहुदा सवाल नहीं करना। वो बेहुदा सवाल जो अक्सर लोग करते हैं, यार किसी की उम्र ज़्यादा हो गई, एक आधे बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, अरे भाई तूने अब तक शादी नहीं की, अरे भैया नहीं करी, तेरा क्या जा रहा, मेरी मर्जी मैंने करी या नहीं करी, तुझे क्या प्रॉब्लम है, लड़की जो है ना पड़ोसी की इतनी बड़ी हो गई अब तक शादी नहीं करी, अरे इनकी बेटी की शादी नहीं हुई, कोई रीज़न होगा, वो करे ना करे आपको क्या प्रॉब्लम है भाई। तो बेहुदा सवाल ना करें। अरे बेटा अच्छा ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गई, पीएचडी भी हो गई, बेटा जॉब लगी नहीं लगी, बड़ा गंदा सवाल है। अच्छा बेटा तनिक बता दो ज़रा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, हमारा बेटा तो इतने कमाता है, आप कितने कमाते हैं ज़रा बता दीजिए। सबसे महा घटिया, कभी किसी की सैलरी कभी कोई ज़िम्मेदार आदमी नहीं पूछता, ना ये पूछता कि भैया आपकी इतनी इनकम क्या है। आमतौर पर वो एक और बात है, आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे आपकी एक्सपेक्टेशन पूछेगा, लेकिन बेवजह बेफालतू में ऐसे सवाल कोई भी एक ज़िम्मेदार आदमी नहीं पूछेगा, या जो आपसे प्यार करता है वो कभी नहीं पूछेगा। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, अगली बार जब आप किसी से ऐसे सवाल करें, अरे बेटा शादी को इतने साल हो गए, कितने बच्चे हैं। यार कई बार मेडिकल रीजंस होते हैं, कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि लोग अपने हिसाब से बच्चे नहीं करते, किसी किसी को ये जो है गॉड गिफ्ट है परमात्मा का, कई बार किसी को नहीं भी होते। किसी को शर्मिंदा ना करें, बहन जी आपकी बहू के बच्चा नहीं हुआ,
बहन जी आपकी बेटी के बच्चा नहीं हुआ, अरे बहन तेरे बच्चा नहीं हुआ, यार दोस्त तेरे अब तक बच्चा नहीं हुआ, यार ऐसे बेहुदा सवाल ना पूछें। ऐसे बहुत लोग मेंटली टॉर्चर होते हैं, बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं ऐसे लोगों के टॉर्चर में आके। प्लीज़ ऐसे बेहुदा सवाल ना पूछें किसी से भी। अगर आप एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं, एक अच्छे इंसान हैं, वाकई किसी से प्यार करते हैं, अगर आपसे कोई प्यार करता होगा तो आपसे कभी कोई ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। बेहुदा लोग हमेशा से सवाल पूछेंगे, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। अरे यार तू इतना कमा रहा है, तूने अब तक घर नहीं लिया? अरे भाई वो रेंट पे ले चाहे घर ले, उसकी अपनी परेशानी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, वो चाहे तो ना ले। आपको क्या प्रॉब्लम है यार, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? एक तो ना हिंदुस्तान में वाली बात है ना, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले की खुशी से ज़्यादा दुखी हैं। ऐसा नेगेटिव हर कोई नहीं होता, पॉजिटिव भी बहुत होते हैं, पर नेगेटिव लोगों से पूरी दुनिया भरी पड़ी है। मुझसे भी वैसे मेरे लोग, मेरे सर्कल में लोग बहुत ऊटपटांग सवाल पूछते हैं, बट बीइंग अ जेंटलमैन मैं उनको उस तरीके से जवाब देता हूँ कि वो भी शायद अगली बार नज़रें झुका लेते हैं और सवाल ऐसे बेहूदा नहीं करते, और किसी और से भी नहीं करते। अच्छा यार कार कब ले रहा है? अब तो इतनी सैलरी हो गई, बाइक कब ले रहा है? अरे नहीं ले रहा भाई, उसकी मर्ज़ी, वो मेट्रो में घूमेगा, बस में घूमेगा, ऑटो में घूमेगा, आपको क्या प्रॉब्लम है यार? बेहूदा सवाल ना पूछें कि कब ले रहा है, कब खरीद रहा है। ये सवाल भी जो हैं एक गलत कैटेगरी में आते हैं। प्लीज़ कभी ज़िम्मेदार नागरिक किसी से सवाल नहीं पूछता, और आप भी ना पूछें। अगर आप किसी ऐसे डोर में, दरवाजे में एंट्री कर रहे हैं जहां आपके पीछे और लोग भी आ रहे हैं, तो दरवाज़ा खोलने के बाद, ये मेरी अलमारी का दरवाज़ा है वैसे, दरवाज़ा अगर आपने खोला है तो मेक श्योर कि आपके पीछे जो लोग आ रहे हैं वो भी उस दरवाजे में एंटर कर जाएं, तब उसके बाद दरवाज़ा बंद करें। ये नहीं कि दरवाज़ा खोला, मैं चला गया, दुनिया जाए भर में। ये एक बड़ा नेगेटिव और नकारात्मक एक सोच को दर्शाता है। SSG में जब इंटरव्यू होता है तो खाली सवाल आपसे रूम के अंदर नहीं पूछे जाते एक्सपर्ट्स के द्वारा, आपकी बॉडी लैंग्वेज एंट्री करने से लेके जाने तक, आप कैसे लोगों से बिहेव करते हैं, क्या आपका एटीट्यूड है, आपसे सवाल खोदे जाते हैं। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखें मेरे दोस्त। आपकी कैरेक्टर आपकी सबसे बड़ा इंटरव्यू होता है, आप कितनी नॉलेज रखते हैं, कितने पढ़ाई में अच्छे हैं, ये मैटर नहीं करता हमेशा। ओके, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई अगर अपनी राय दे रहा है और आपको लगता है कि उसकी राय जो है सही है गलत है, उस पर आर्ग्यूमेंट ना करें, पॉजिटिवली अपना रिस्पांस दें। पर ये नहीं किसी ने बोल दिया तो भड़क गए, तिलमिला गए, लड़ने को बेकाबू हो गए। हाँ, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, पर बेवजह ग्रुप में जब कोई डिस्कशन हो रहा हो तो आराम से उसको अलग हट जाएं। सामने वाले की गलती हर कोई जानता है कि ये गलत है, बेवजह ना उलझें, बेवजह बहस ना करें, वरना उस मूर्ख में और आप में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा। इंटरप्शन, बीच में रोक टोक करना, कोई पूछ रहा है मेरी बात ख़त्म नहीं हुई, दूसरा बंदा फटाक से एक सवाल दाग देता है, बीच में रोक देता है, इंटरप्शन जो है बहुत बुरी बीमारी है। हमेशा जो है एक गुड लिसनर होना चाहिए, एक जो अच्छा वक्ता है, जो अच्छा एक बोलने वाला है, जो गुड स्पीकर है, उसको एक अच्छा लिसनर, एक अच्छा श्रोतागण होना ज़रूरी है। सामने वाला जब कोई बोले, पहले पूरी बात को मर्यादा के साथ सुने, फिर आराम से उसका जवाब दें। ये भी एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है मेरे दोस्त। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, अगर आप एक बॉस हैं, आपके साथ बहुत सारे लोगों की संभालने की आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप कान के कच्चे हैं, किसी ने आपसे कुछ बोला और आप भड़क गए, बिना तफ्तीश करे, बिना इंक्वायरी करे, बिना किसी को समझे, आपने किसी चमचे पे विश्वास करके किसी के साथ गलत किया, तो आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर या लीडर नहीं हैं, आप ज़ीरो हैं। तो अच्छा ऑफिसर बनने के लिए हमेशा अपने आप पर विश्वास रखो, सामने वाला कैसा है उसको देखो, जानो, परखो। कई बार देखने वाली चीज़ भी झूठी होती है, पहले लोगों को जानो, उनको परखो, उनके बारे में समझो, उन्हें समझो, उसके बाद उनके बारे में कोई टिप्पणी करो। किसी के कहने पे, किसी के बारे में ये मत सोचो कि जो उसने कहा है ये ऐसा ही होगा। तो हर किसी का कैरेक्टर ऐसा नहीं होता जैसा सुना जाता है, तो पहले अपने आप से किसी को जाने, उसके बाद किसी और पर रिएक्शन दे। ये जनरली भी हर एक इंसान के लिए है जो यूजुअली एक दूसरे के बारे में गलत सुनते हैं और किसी को गलत समझने लगते हैं। कुछ लोगों को चूल होती है, खड़ाबाल होता है दूसरे को परेशान करने में। काफ़ी चमचे भी ऐसे प्रोफेशनल वर्ल्ड में होते हैं, परेशान करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं। इन्फ्लुएंस ना हो यार, कर्म है ना वो ऊपर वाला, उसकी लाठी में इतनी ताकत होती है, कोई देखे ना देखे पर वो ज़रूर देख रहा होता है। तो कोई किसी के साथ जितना मर्जी बुरा कर ले, परमात्मा जिसको भी आप मानते हो आपके साथ है, इरीटेट ना हो ऐसे लोगों में के भड़कावे में आके, निराश ना हो, हमेशा फेस पे स्माइल रखें, ऐसे लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। अगला पॉइंट, से थैंक्स, धन्यवाद हमेशा करें। कोई आपकी हेल्प कर रहा है, किसी ने कुछ अच्छा काम किया, हमेशा अप्रिशिएट करें।
हमेशा थैंक्स बोलें ताकि उसको और प्रेरणा मिले अगली बार और ज़्यादा बढ़ के मदद करने की। प्रेज करें, अप्रिशिएट करें अच्छे काम के लिए। काफ़ी लोग तो अच्छे काम को भी देख के निकल लेते हैं, यार इसने अच्छा काम किया, मैं इसकी तारीफ़ क्यों करूं। लेकिन जो पॉजिटिव लोग होते हैं हमेशा अच्छा काम करने वालों को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी उनको जो है मोटिवेट करते हैं, जैसे कि आप लोग मेरे वीडियोज़ में मेरे कमेंट्स में करते हैं। जो नकारात्मक लोग हैं वो अच्छाई में भी बुराइयाँ खोजते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं वो बुराई में भी अच्छाइयाँ खोज लेते हैं, जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। प्रेज पब्लिकली, क्रिटिसाइज अकेले में। हमेशा तारीफ सबके सामने करना, पर जब किसी को लताड़ना हो ना, किसी की बेइज्जती करनी हो गलत काम के ऊपर, तो अकेले में चार दीवारी के बीच या चुपचाप पब्लिकली किसी को जो है नीचा ना दिखाएं, क्योंकि उसमें उसके सम्मान के साथ साथ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन या ऑफिसर या लीडर आपकी भी बेइज्जती है। अगली बार से वो बंदा आपकी रिस्पेक्ट दिल से नहीं करेगा। तो मारना है, डांटना है, मारना मतलब किसी को कुछ फीडबैक देना है जो गलत हुआ है, अकेले में दें, ओपनली सबके सामने ना दें। ओपनली गैर जिम्मेदार ऑफिसर, एक गैर जिम्मेदार लीडर ही सबको जो है क्रिटिसाइज करता है, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर कभी नहीं करता, हमेशा याद रखना। कभी भी किसी के वेट पे, किसी के कॉम्प्लेक्शन पे, किसी के रंग रूप पे, किसी की शारीरिक बनावट पे कमेंट ना करें, उस पे जो है हंसी मजाक ना करें। ये बड़े ही घटिया और नीची किस्म के जो सोच वाले लोग हैं उनकी प्रवृत्ति है। एक ऑफिसर्स टाइप जो क्वालिटी है, एक जो जेंटलमैन वाली, एक जो पॉजिटिव इंसान वाली क्वालिटी है, वो कभी भी किसी का ना तो वेट पूछती, ना किसी की जो है इस टाइप की चीज़ें पूछती कि काला क्यों है, गोरा क्यों नहीं है। अब तो सरकार ने भी बैन लगा दिया है ऐसी एडवर्टीजमेंट पे जो दिखाते हैं कि ऐसा क्रीम लगाने से गोरा हो जाओगे, या ये उससे गोरा क्यों है, उससे साफ क्यों है। ये सब चीज़ें रेसिसिस को बढ़ाती हैं, और ऐसी बातों में कभी ध्यान नहीं देना, और ऐसे लोगों को रोकना भी है, टोकना भी, और ख़ुद से नहीं करना। अगर यदि आपका कोई साथी उसके फ़ोन में आपको फ़ोटोज़ दिखा रहा है या कोई चीज़ दिखा रहा है, तो उसको लेकिन नेक्स्ट स्वाइप नहीं करना। क्या पता उसकी फ़ोन में क्या हो जो आपको ना दिखाना चाहता हो। पर कुछ लोगों की में खुजली होती है, वो फ़ोन लेके एक दो बार आगे ज़रूर बढ़ा के देखते हैं, देखना चाहते हैं इसमें है क्या। अब उसके पास भी वही है जो तुम्हारे पास है भैया, उसके पास कोई निराला थोड़ी है। क्यों इतनी जांच पड़ताल करते हो यार, ऐसा मत किया करो। जब आपका दोस्त बोलता है यार आज भैया डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, ये ना पूछे भाई क्या हो गया। पता नहीं उसको क्या हो गया, वो ना बताना चाहता हो, पर ऐसे बेहूदा सवाल ना पूछें दोस्त से कि यार क्या हो गया। डॉक्टर ही कोई अपॉइंटमेंट लेके जा रहा है, चाहे वो किसी का बॉस हो या ऑफिसर हो, कभी ये ना पूछे अपने कलीग से क्या हो गया। डॉक्टर के पास जा रहा है, बोला है तो ट्रस्ट करो, कुछ रीज़न होगा तभी उसने आपको बताया। ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी गहराई सीमित रहो, औरों की गहराई के बारे में मत पूछो। ओके, तो ओहदे में जो लोग आपसे छोटे हैं, डेजिग्नेशन में जो लोग आपसे छोटे हैं, चाहे वो एक सफाई कर्मचारी हो, चाहे CEO हो, या कोई बड़ी रैंक का बंदा हो, छोटे से लेके बड़े तक सबका बराबर सम्मान करना है, इक्वल रिस्पेक्ट देनी है, भेदभाव नहीं करना कि ये छोटा है ये बड़ा है। ये हमेशा एक अच्छे इंसान की, अच्छे कैरेक्टर की और एक अच्छे ऑफिसर की पहचान होती है। घटिया लोग हमेशा बड़कपन दिखाते हैं, छोटे बड़े में डिफरेंस करते हैं। अगर आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है तो आप हमेशा औरों की रिस्पेक्ट करेंगे, बराबर रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू फॉर दैट इफ़ यू आर डूइंग दिस। ओके, आपके आसपास मेट्रो में कई बार आपने देखा है कि कोई व्यक्ति फ़ोन पे लगा हुआ है, अरे भैया कैसी हो, भाव जी ठीक हो ना, हम इसको ससुर को इतने दिन से कह रहे हैं, मानता ही नहीं है, हमने माता जी को बोला, पिताजी को बोला, ससुर के पिछवाड़े पे चार लाठी दिया, पर सुन नहीं रहा है, क्या करें बताइए। इतने में ही साइड में बैठा हुआ एक पैसेंजर उसकी तरफ घूर के देखता है, साले कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, गलत है यार। वो उसकी अपब्रिंगिंग है, वो उसका सलीका है, चुपचाप से जब कॉल ख़त्म हो जाए बोल दो, सबके सामने जलील करना या उसको ऐसे घूरना या अनोइंग तरीके से देखना भी गलत है, क्योंकि वो जिस माहौल में रहा है, पला पड़ा हुआ है, उसमें इतनी सेंस होती तो शायद वो ऐसा नहीं करता। आप में सेंस है तो आप उसे कोऑपरेट करना। खाना खा रहे हैं 10 लोगों के बीच, खाने में मच्छर मक्खी निकल आया, कुछ ऐसी चीज़ निकल आई, शोर नहीं मचाना, पागल नहीं बनना, आराम से देखना है उसको, बाद में हैंडल करना है। बाकी लोग जो हैं वो भी परेशान हो सकते हैं आपके इस रिएक्शन से, तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। माइंड योर ओन बिजनेस। चूल की बीमारी होती है ना, खड़ा बाल, हर किसी के साथ खड़े बाल वाली हरकतें मत करो, इसने ये किया, उसने वो किया, उसका ये कर दूंगा, इसको मैं कैसे नीचे दिखाऊं, ये भी बड़े घटिया इंसान की पहचान है। अक्सर ऑफिसेज में जो है चमचे बहुत होते हैं, चमचे पूरी एड़ी चोटी और एड़ी चोटी के बीच आने वाले हर जगह का पूरा जोर लगा लेते हैं, उखाड़ लेते हैं कि कैसे आपको लेट डाउन करें। पर ऐसे लोगों से निराश नहीं होना,
हमेशा चमचा जो है ना सबसे पहले कढ़ाई में गर्म होता है, तो कढ़ाई जब गर्म होगी सबसे पहले चमचा ही चलेगा, बॉस उसको भी नहीं छोड़ता। तो इग्नोर करो ऐसे लोगों को यार, चिल मारो। मैं तो चमचे को बहुत चलाता हूँ, हमेशा स्माइल रखता हूँ, मेरी स्माइल देख के चमचे वैसे ही मर जाते हैं। चमचे देख के अभी भी चल रहे होंगे। चमचे मतलब किसी स्पेसिफिकली वर्क प्लेस से बात नहीं है, दुनिया में हर जगह चमचे होते हैं। मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, कोई पर्सनली मत ले जाना भाई इसको। कोई चमचा होगा वही पर्सनली लेगा, जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो रिस्पेक्ट करता होगा वो कभी नहीं लेगा। लव यू फॉर दैट। कभी भी किसी से उम्र ना पूछें, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। है भाई, क्या जरूरत है उम्र पूछने की? मेरे जैसे अक्खड़ बंदे से पूछना, बाल हल्के सफ़ेद आने लगे हैं, दाढ़ी में बाल सफ़ेद आ गए हैं, लेकिन अभी भी यंग दिखता है। अगले साल 40 का हो जाऊँगा, पूछ ले मेरी एज पूछ ले भाई, अगले साल 40 का होने वाला हूँ। ठीक है, तो फिट रहो, एक्सरसाइज करो। किसी की एज पूछने में क्या जा रहा है यार, क्या उखाड़ लेगा एज पूछ के? हाँ भाई, कुछ नहीं फ़र्क पड़ना यार एज पूछ के। हाँ, किसी को प्रेज ज़रूर कर सकते हो, आज बहुत अच्छे लग रहे हो, वो भी खुश आप भी खुश, पर ये मत पूछो कि आपकी एज कितनी है। समझ गए ना आप? अक्सर हर किसी की बीमारी होती है, आदत होती है आना, कैसा है बोले, कुछ कुछ गाल खींचना, ये करना वो करना। अवॉइड करो यार, जब भी आप किसी बच्चे से मिलो, हो सकता है आप अपने घर में अपने बच्चों को कर रहे हो, किसी और के बच्चे से मिलते हैं कई बार लोग, तो हर किसी पेरेंट को पसंद नहीं होता कि वो हमारे बच्चों के गाल खींचे ज़्यादा, इस टाइप से टच करे। तो किसी से भी आप मिलें तो थोड़ा सा एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, ताकि एक रिस्पेक्ट बनी रहे, किसी को आपकी वजह से जो है एक ऐसी फीलिंग ना आए, एक ऑकवर्ड फीलिंग ना आए, तो उस बात का भी हमेशा जेंटलमैन ध्यान रखें। जब भी आपने चश्मे पहने हो और आप किसी से बात कर रहे हो, तो चश्मे उतार के नज़रों से नज़रें मिला के बात करें। ये नहीं कि आपने चश्मे पहने हो और आप उससे बात कर रहे हैं तो उसे जो है कई बार अच्छा नहीं लगता। हाँ, आपकी आँख आ गई है, आँख में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कई बार इंटरव्यूज़ में चश्मे पहन के बैठा रहता हूँ, वही एक और बात है, कई बार प्रॉब्लम हो, पर ये मतलब नहीं कि चश्मे पहन रखे हैं आप एक आम आदमी से बात करें सोचेगा और भाई घड़ा अंग्रेज हो रहा है, चश्मे लगा रखे हैं और मुझसे बात करे जा रहा है। मैं तो अपने आप को बस चश्मों में ही देख के खुश हो रहा हूँ, वो बंदा पता नहीं क्या सोच रहा है। तो चश्मे उतार के बात करें। नेवर टॉक अबाउट योर रिचनेस, अपनी रहीसी का डंका हर जगह ना पीटे। मेरे पास इतने पैसे हैं, इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास ये गाड़ी, मेरे पास वो फलानी ब्रांड, मेरे पास ये, अब होगी तो भाई तेरे लिए होगी, किसी की और के लिए थोड़ी है। तो भाई ऐसे शो ऑफ ना करें, आपके पास परमात्मा ने जो दिया है उसको तहे दिल से आपके भगवान ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने, गॉड ने, जीसस ने, जिसने भी आप मानते हो, जिसने जो भी दिया है उसको प्यार से एक्सेप्ट करें, उसका डंका ना पीटें। ऐसे जो है ना उस परमात्मा को निराशा होती है कि ये जो है ना बहुत उड़ रहा है, इसके पंख काटने पड़ेंगे। तो शो ऑफ ना करें, किसी को दबाए ना, किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, हमेशा पॉजिटिव रहें और औरों का उतना ही सम्मान करें जितना आप अपना सम्मान करते हो, और जितनी अपेक्षा आप सामने वाले से करते हो रिस्पेक्ट की, उतनी ही रिस्पेक्ट आपको भी दूसरों को देनी पड़ेगी, तभी बराबर की रिस्पेक्ट मिलेगी मेरे दोस्त, ऐसे नहीं मिलती रिस्पेक्ट। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक भी बात पसंद आई हो तो कम से कम 20 दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ऐसे ग्रुप में तो शेयर ज़रूर करना है जहाँ पे चमचे हों और चमचे इस वीडियो को देख के जल भुन जाएँ, मज़ा आ जाएगा। और पॉजिटिविटी बनाए रखें गाइस, यू आर वॉचिंग योर ओन फैमिली चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, दी रॉयल सोल्जर। लव यू ऑल, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन में जो है सेफ्टी रखें, बड़े बुजुर्गों की, बच्चों की भी और अपने आप की भी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, कड़क खग, जय हिंद, लव यू।